साढ़े नाल इस टाइम मौजूद ने जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी के सकत्र CJM जपेंद्र सिंह जी। असी ना को जानांगे कि कोरोना वायरस के चलते करफ्यू दौरान जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी वालों केड़े केड़े काम किए गए और की चुनौतियों का इन्हों सामना करना पाया। सर सब तो पहला थोड़ा अजीत वैब टीवी से स्वागत है सर जी। थैंक यू सर। कोरोना वायरस के चलते करफ्यू दौरान सर जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी वालों सर केड़े काम किए गए और उन्होंने कामों के सर केड़ियां चुनौतियों का सामना करना पड़ा सर जी। कोरोना वायरस की समस्या कारण जदों करफ्यू तो लॉकडाउन सरकार ने इंपोज किया तो सब तो पहला जिहड़ा काम सीगा कानूनी सेवा अथॉरिटी का वो ये रहा कि जेलों के बहुत सारी संख्या के कैदी है जिहड़े वो बंद सीगे। आम तौर पर हर समय जेल के जेल की कपैसिटी तो ज़्यादा कैदी है जिहड़े वो बंद होंदे है तो जेल के काफ़ी ओवरक्राउडिंग वाली सिचुएशन होंदी है। तो इस गल वल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ध्यान दिता। उन्होंने इस गल का सुओ मोटो अपने आप नोटिस लिया कि जेलों के जिहड़ी जनसंख्या है वह घटाई जानी चाहिए है तो कि उत्थे बीमारी फैल के कोई ज़्यादा जानी नुकसान होने का जिहड़ा चांस वो ना बने। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तो यह हदायत आई हैं तो सारिया जिहड़ियां कानूनी सेवा अथॉरिटी हैं जिला पद्धर तक स्टेट पद्धर से नैशनल लैवल से सारे की एक कंसर्टेड जॉइंट एफर्ट के नाल असी जेलों के वो सारे कैदी जमानत से रिहा किए जिन्हों के केस बहुते ज़्यादा सीरीयस नहीं सन बट जे योजे केस के जिन्हों के आम समय के जमानत जी आम तौर पर नहीं की जाती तो काफ़ी हद तक वो जेल के जो जनसंख्या से उन्होंने काबू किया गया और जोड़े सज़ा जाबता कैदी सके उन्होंने भी जोड़े कुछ सज़ा कट चुके से जिन्हों का चाल चलन ठीक से उन्होंने छुट्टी पर पैरोल से प्रशासन वनियों भेजा गया। तो यह सारी कार्रवाई की जी कोआर्डीनेशन जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी ने सब तो पहला की। जितों तक चुनौती का संबंध है देखो फिजिकल मूवमेंट है जी वो समस्या से कि भी खुद चल के जाके अदालत की कार्रवाई के वकील साहबान ज होर कोई भी जड़ा जेल के मुलाजम है ज होर कोई कर्मचारी है उन्हों का चल के जाके कार्रवाई के पेश होना हिस्सा लेना वो पॉसिबल नहीं सी। ता इस चुनौती इस तरीके ओवरकम किया गया कि जिन्ना भी यह कार्य होया कचहरिया वनियों ऑर्डर जो किए गए कैदियों की रिहाई दे जेल प्रशासन वनियों भी जो पैरोल देने की कार्रवाई की गई ये सारी इलैक्ट्रॉनिक मीनस राही ऑनलाइन मीनस राही हुई। इलैक्ट्रॉनिकली असी जो रिलीज़ ऑर्डर सीगे वो जेल अथॉरिटी नूं ईमेल किए तो उन्होंने कंप्लायंस के जो कैदी से उन्होंने छड़िया गया। तो इस तो अगे अगर असी गल करिए लॉकडाउन कैरफ्यू के चलद काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन समस्यावं आई हैं जिमें सब तो पहली समस्या आई कि जिन्हों लोगों पास खाने लिए भोजन नहीं सी आमदन के जोड़े जरिए से वो सारे बंद हो गए तो उ काफ़ी डिस्ट्रैस कॉल्स साढ़े को आई हैं वो असी प्रशासन का तालमेल करके उन्होंने खाना अनाज जो सरवाइव करने जरूरी सी वो मुहैया कराने दी एफर्ट्स कीतियां। फिर काफ़ी सारे लोगों दियां मेडिसिन दियां प्रॉब्लम्स भी सामने आई हैं जिन्हों कोई इंपोर्टेंट कह लो अर्जेंट तौर पर कोई दवाई चाहिए सी जां इलाज संबंधी कोई उन्होंने हैल्प चाहिए सी उहदे विच भी असी जो भी योग कार्रवाई सी वो हैल्थ अथॉरिटीज़ नाल तालमेल करके वो करवाइया। स्टेट तो बाहर भी कई लोगों की दवाई असी जी है वो भिजवाण का इंतजाम किया जो उन्होंने स्टेटा के रिमोट इलाके से दूर दराड़े के इलाके से जिमें कि जम्मू एंड कश्मीर का सी एक हिमाचल प्रदेश तो सानू रिक्वेस्ट आई सी तो वो दूर दराड़े के इलाक दवाइया जिहड़ियां भिजवाण का इंतजाम वो करवाया गया। इस तो अगे देखो कैरफ्यू दौरान क्योंकि तुसीं समझ सकते हो कि सारे लोग घर के अंदर बंद सी लोगों के माइंड से स्ट्रैस भी ज़्यादा सी इनकम के जिहड़े जरिए सी वो बंद हो गए तो जो जरूरी काम काज कई लोगों के रुके तो वह नैचुरल लैके एक फ्रस्ट्रेशन है जो उदा लैवल हाई से इस फ्रस्ट्रेशन करके और जनरली आम तौर पर परिवार के ज़्यादा समा बतीत होने करके कई बार तकरार के जोड़े चांस वे तो औरतों जोड़ा है वो कई बार घरेलू हिंसा डोमैसटिक वायलेंस वह सामना करना पैदा तो उ समस्यावें भी उभर के साढ़े सामने आई हैं उन्होंने भी साड़ी कोशिश यही रही भी क्योंकि हर शख्स है जिहड़ा उस समस्या का सामना कर रहा है वो तनाव नाल डील कर रहा है टेंशन है वो माइंड से तो वह जे केसा के ज़्यादा कौंसीलेशन है जी उन्हों का आपस के समझ बूझ बना के उन्हों का जो समझौता करा के तालमेल बना के उस समस्या को खत्म करने वाल असी कोशिश की तो ये असी काफ़ी कामयाबी हासिल की जोड़े यहोजे केस साढ़े दफ्तर के नोटिस के आए। सर ये जी काउंसलिंग सी जी जे डोमैसटिक वायलेंस वाली सर ये भी इलैक्ट्रॉनिक की गई या ये मैनुअली इतने DLSS सेंटर के लिया बुला के की गई सर
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ PLV ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਯੋਗ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਕੋਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ, ਵੈਲੰਟੀਅਰਸ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਉਹ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਰ, ਅਤੇ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਸਰ ਓਵਰਆਲ ਕੁਛ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਸਰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਦੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ CJM ਜਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾ ਫੈਲੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਰ ਆਮੋ ਖਾਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।